कोई दावे कर रहा है तो कोई इख्तलाफात सामने कर रहा है। रेलवे अफसर का शेख रसीद से इख्तलाफ सामने आया। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने वजीर रेलवे के मातहत काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं शेख रशीद मातहतों के साथ सरकारी आदाब से आरी हैं, इज्जत सबसे मुकद्दम है। हनीफ गुल ने भी 2 साल की छुट्टी की रुख्सत दरख्वास्त दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जुल्फकार महतो से। जुल्फकार बताइएगा, शेख रशीद जो वजीर रेलवे हैं पाकिस्तान के नए, उनकी सदारत में एक इजलास हो रहा था जिस पर सी पैक पे ब्रीफिंग दी जा रही थी। सी पैक के जो इंचार्ज हैं वो इशफाक फटक हैं, जो पाकिस्तान रेलवे के साबिक जीएम हैं और फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो उनसे शेख रशीद ने कहा कि आप रजिया भट्ट का नावल सुना रहे हैं, आप सही बात करें। तो इस पर शेख इशफाक फटक ने कहा कि मैं आपको वो हकायक बता रहा हूँ जो पाकिस्तान की हुकूमत और चीन के दरमियान नेगोशिएशन के साथ सामने आए हैं। इस पर हनीफ गुल ने कहा कि शेख रशीद साहब, आप वजीर रेलवे हैं, आपको सी रसों के साथ तमीज के साथ बात करनी चाहिए। इस पर शेख रशीद ने उन्हें कहा कि शट अप, जिस पर हनीफ गुल ने उनको उसके जवाब में शट अप कहा और वो उस इजलास का बायकॉट कर गए। ये भी बताएगा, हनीफ गुल ने 2 साल की छुट्टी भी ली है और दरख्वास्त भी दे दी है, क्या उनको इजाजत मिल गई है? नहीं देखिए, इसकी इजाजत तो बाद में मिलेगी। हनीफ गुल एक बड़े अपराइट और ईमानदार अफसर समझे जाते हैं पाकिस्तान रेलवे में, और डीएस पिशावर और डीएस कोयटा के उदों पे काम करके आए हैं। बड़ी कामयाबी से उन्होंने इन दोनों डिवीजन को चलाया है और वो इस लिहाज से वो हक बजाने में है कि रेलवे मिनिस्टर को इस किस्म की गुफ्तगू से एतराज करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही सिविल सर्विस में पाकिस्तान के मेंबर्स हैं और ऑनरेबल सिविल सर्विस है, और इसके जो अफसर है वो इस बात को बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान रेलवे में तैयार नहीं है। असल में जो तनाजा है वो ये है कि जो साबिक वजीर थे ख्वाजा साद रफीक, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उनके जो बाद अच्छे काम हैं, वो शेख रशीद चाहते हैं कि उनके बारे में बात कम की जाए और उनके बारे में बात की जाए जो अगले प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल तनाजा है जो दोनों वज़रा के दरमियान है। अफसर चाहते हैं कि वो इनसे लातअल्लुक रहें और शेख रशीद साहब उनको इस बात में मजबूर ना करें कि वो साबित जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको भी गंदा कहें और पोलिटिकली इसका मायरेज दिया जाए। एक इसलाब ये भी था कि शेख रशीद ने जो बुलान मेल जो ट्रेन है उसका एक नया रैक तैयार हो रहा है जो बुलान मेल का है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इस रेक को बुलान मेल के साथ लगाने की बजाय इसको वजीर आजम इमरान खान को खुश करने के लिए रावलपिंडी से कुंडिया के दरमियान एक नई ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो रेलवे अफसरों का कहना था कि ये नॉन टेक्निकल और नॉन कमर्शियल फैसला है, ये खसारे की दूसरे को खुश करने के चक्रों में कहीं पाकिस्तानी आवाम नुकसान में तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के आवाम का नुकसान है। इसमें शेख साहब आए हैं, उनको समझना चाहिए कि सब हालात क्या है। उन्होंने एक जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका भी मैं आपको एक अहम पॉइंट बताऊं। उन्होंने कहा था कि इस साल मैं रेलवे का 40 अरब का खजाना खत्म कर दूंगा, तो ये बड़ी हैरान कर और छंबे की बात थी। लेकिन बाद में पता चला कि जो इस वक्त 32 अरब रुपए की पेंशन है जो वफाकी हुकूमत सब्सिडी देती है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के खाते से निकाल के वजारत खजाना बराह रास्त जो रेलवे के 1,30,000 पेंशनर उनको दे दे, तो खसारा तो वही रहेगा, वो पेंशन रेलवे को मिलती रहेगी।